जय हिंद दोस्तों, ये वाहगुरु डेयरी है ताजपुर रोड लुधियाना। विशाल जी हैं, अमित जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, पुश्तैनी धंधा है। हम आए हैं इनके पास, मकसद सिर्फ इनकी गाय दिखाना नहीं है, मकसद है कि इनकी मार्फत ज्ञान आप तक पहुंचाना, जो पशुओं के रख रखाव के संबंध में बहुत ज़रूरी है। तो आइए करते हैं बात। कहाँ के लिए? ये पुणे आला फाटा के लिए। किसके पास? नितिन गोपाले। नितिन गोपाले, हाँ जी। नाम सुना हुआ? हाँ जी, पहले भी गाय गई है काफ़ी। हाँ जी, खुद आए हैं जी। हाँ जी, इधर ही हैं जी, पास में आइए। तो ये जो गाय दिखा रहे हैं, हाँ जी, अपनी ही बात करोगे या हमारी भी, मतलब की वो बात करोगे? नहीं, आपकी सुनेंगे खाली। तुम लोग व्यापारी लोग स्वार्थी हो, तुम्हें सोचते हैं अपनी गाय बेचनी है। हाँ जी, हम जो कहते हैं ना कि ये रोग का बता दो, ये रोग का बता दो, तुम कहते हैं आगे चलो। नहीं, गाय तो बिकती रहती है, लेकिन कुछ जानकारी किसी को प्राप्त हो तो बहुत अच्छी चीज है, जितना हमें मालूम है। जितना मालूम? नहीं, हाँ जी, तुम यही सोचते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पूरे दिन में 24 आवर्स में मैं 12-13 घंटे मेरी ड्यूटी रहती है यही कुछ बताने की। मैं कभी किसी के ऐसे फोन नहीं काटता, थोड़ी बात में उनको समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो गाय दिखा रहे हो, हाँ जी, तो कौन सी लैक्टेशन की है ये? ये गाय नहीं है, हाँ। ये बछड़ी है, अभी 2 साल एज है इसकी। कितने दांत है? ये 2 दांत है। 2 साल एज है? हाँ जी। जो कह रहे हो ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। दिखाओ दांत, दिखाओ। हाँ जी, दिखा दे। माननी पड़ेगी बात। हाँ जी, दो दांत है, बहुत अच्छी बछड़ी है जी। अंकल जी, मजे की बात है, 25 तारीख को इसका जन्मदिन है। यही 25 को इसके 2 साल पूरे होएंगे। अच्छा, अभी 2 साल पूरे होने हैं? हाँ जी, अभी तो 4 साल की है। जब ये छोटी बछड़ी थी ना 6 महीने की, तब से इस किसान से बछड़ी मांग रहे हैं, और कह रहा था जब इसकी डिलीवरी होने वाली होगी, बेचेंगे तो आपको बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। तो ये ETT की सीमन की है, ग्रैंडी, और आगे इसको सेक्स सीमन लगा हुआ है पाइपर का। 2 बछड़ियाँ ली है एक ही फार्मर से, इसके साथ वाली भी दिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छी है। पहले ये बताओ, सेक्सी वन जो है, हाँ जी, किसी को बोल देते हैं? नहीं, हर किसी को नहीं बोल सकते। किसको लगता है, क्या कंडीशन है उसके लिए? अमूमन ज्यादातर ये फर्स्ट लैक्टेशन में लगता है, जो पुरानी गायें हैं 3री या 4थे लैक्टेशन वाली, उनकी कंजम्पशन कम होती है, वहाँ पे ये टिकता नहीं है, खाली 10% रिजल्ट है। और दूसरी चीज है, सेक्सीमन उसी गाय को लगाया जाता है जिसकी पिछली पीढ़ी अच्छी है। मान लो किसान के पास एक आखिरी गाय है 50 लीटर वाली, उसकी पीढ़ी खत्म हो रही है, वो बछड़े दे रही है, तो उस पर वो मेहनत करता है, चाहे 4 चाहे 6 सीमन वेस्ट हो जाए सेक्सीमन के, उसको पता है कि ये मेरे को जनरेशन मेंटेन करके रखनी है। और वो फार्मर अपनी वो गाय कभी सेल भी नहीं करता। हाँ, इसकी पीढ़ी बढ़ जाएगी, 4-6 हो जाएगी, फिर उसमें से एक सेल करते हैं। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये 40+, 45 भी देगी पहली बार में। अभी तो ब्यादा है, पहले का देते हैं? बिल्कुल इजिली। इसकी मदर का भी 50 लीटर का रिकॉर्ड है, ये पटियाला के पास से ली है, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट फार्म बनाया लड़के ने, 18 से 20 पशु है, प्रॉपर रिकॉर्ड है इसका। बॉडी स्कोर जो इसका है, क्या दाम है इसका? बहुत कम मिलता है इसका, 1,30,000। एकदम नहीं, बहुत कम है, बछड़ी बहुत अच्छी है ये। 1,00,000 ऑर्डर भी, और कितना समय मांग रही है? अभी 25 तारीख को दिन पूरे हैं, आज 19 हुई है, 6 दिन बाकी है इसके। निकाल रही है? वो प्रेशर जोर बहुत है ही, बहुत दूध वाली। अभी नलाई है ना, तो थोड़ा पानी में निकालना पड़ेगा दूध। तो पहले बच्चा देने से पहले इसको जरूरत नहीं, इसका ऑर्डर बहुत जबर है। नहीं, बस इतने पे रख के देगी? नहीं, अब नहीं फैलेगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, बहुत अच्छा ऑर्डर है। हाँ जी, पहली ब्यांत की है? बिल्कुल पहले ब्यांत की है, यंग है। दाम तो थोड़ा हिसाब रखा करो, पहली ब्यांत में 1.5 लाख मांग रहे हो, आगे तो 1,00,000 हम दे रहे थे जब ये 6 महीने की प्रेगनेंट थी, तब इसको 1,00,000 बोला था फार्मर को, नहीं दी उसने। छोटे बच्चे में भी इसका 35 से 40 हज़ार बोला था, तभी भी नहीं उन्होंने बेची। लेकिन जहाँ पे जाएगी, जिस घर में, वही खरीदेगा जो पूरा माहिर है, पूरा माहिर है, रख रखाव का जानकार है, बिल्कुल, और जिसके तबेले में सारी है ये सी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, छोटे मोटे आदमी की, किसान के पास की नहीं है, वो बिगाड़ देगा इनको। नहीं, बात अंकल फिर वही आ गई कि हम बोलेंगे बहुत अच्छी है, आप बोलेंगे अपनी गाय को आप अच्छी बोलते हो, तो इसके बारे में जिन्होंने ये गाय खरीदी है वो ज़्यादा अच्छा शायद बता पाए और कुछ सच्चाई नजर आए। गोपाले जी आएंगे, 1 मिनट जरा बताइए इस गाय के बारे में। हाँ भाई, कहाँ से हो? पुणे महाराष्ट्र। क्या नाम है? नितिन गोपाले।
क्या कहोगे इसके बारे में? वो इसका रिकॉर्ड तो हमने उसको सीमन लगाया है, वो खुद कौन सी इलेक्ट्रिशियन और कौन सा टीका लगाया है वो सब पूरी जानकारी उस फार्म से हमने ली है। ये खुद गैलेक्सी की है और प्लेट का लगाया है इसको अभी, और उसके मालिक के रिकॉर्ड से हमको 35 प्लस दूध निकाला है इसने फर्स्ट लैक्टेशन में, अभी 6 दांत है। तो कितना दूध देगी? मिल्क वेन बहुत अच्छी है, बॉडी स्कोर भी अच्छा है, ज़्यादा ऊंची खड़ी टंगड़ी की नहीं है, बैठक वाली गायें हम इसको बोलते हैं, आराम से 35 और 40 के बीच में रहेगी। 35 का रिकॉर्ड चेक किया हमने। कितना दाम बताया इसका? इसका 1,10,000। 1,10,000? हाँ जी। अमित जी। हाँ जी जी। तो ये खीरी दिखा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, खीरी है। और वो दो दांत? वो दो दांत है। कितनी उम्र की? बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो 2 साल की है, इसकी अभी कम है, 20-21 महीने। तो कितना समय मांग रही है? ग्रोथ बहुत अच्छी है, जो खीरी है वो 2 महीने बाकी है और दूसरी के 2.5 महीने बाकी है। कितना दूध देंगी ये? पहली बार में 30-30 लीटर इजीली। कितना? इजीली 30-30 लीटर, बहुत अच्छे फार्मर से आई। ऐसे है जो व्हाइट वाली है वो ब्रूट की है, आगे डेनमार्क लगा है 40-116, और ये पंच की है, इसको आगे शॉटगन लगा है जो खीरी है। अच्छा। हाँ बहुत अच्छे फार्मर से ली है। ऐसी 4 और भी है बछड़ियाँ, तो इस बार थोड़ी सी परचेजिंग हीफर की चल रही है, क्यों आगे भी नए लोग जो डेयरी फार्म में जुड़ रहे हैं उनको गाय की इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसमें लोग ज़्यादा सक्सेस है। एक ऐसे? हाँ, एक आज से ब्रीड शुरू हो जाती है, जो पंजाब वाले 15 साल पहले से शुरू हुए थे, इन लोगों ने पैसा खर्च करके वो 15 साल खरीद लिए, उनके टाइम इज मनी, ये आज से वहाँ से शुरू हो रहे हैं। भाई दूसरे राज्यों में दूध की लहर आ रही है? आ रही है। तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान। बहुत धन्यवाद जी। और तो ब्रीड पे क्या भी दाम है इनका? इनका दोनों का 2 लाख रुपया जी दाम, इधर की खरीद है। अंकल खुशी की बात क्या है? पहले ये बताओ, ये किसान यार, हम मना करते हैं कि भाई ऑनलाइन ठंडा रखो का। हाँ जी जी, लोग मानते नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। वो लोग बैठे हुए हैं, वो ये नहीं समझते कि आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई। हाँ जी। कोई बीमार हो गया। बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि हमारा फोन नहीं उठाते। सही है। आप पैसे नहीं वापस करते हो। हाँ जी। हमारी टोकन मनी वापस करो। बिल्कुल। क्या है ऐसा, फिर तुम मना क्यों नहीं करते? ऐसे अंकल जी मैं बताता हूँ, अभी मेरे पास एक कोल्हापुर की पार्टी आई है, इन्होंने मेरे को 1,00,000 रुपया एडवांस डाला था आज से 20-25 दिन पहले, और इधर भी मेरे पास कस्टमर ज्यादा। हाँ जी फौजी साहब आइए जरा, जो आपको समस्या आई है आपको पैसा डालने की, और उसका पहले चेहरा दिखाओ। आइए आगे। तुम तो ईमानदार समस्या आई थी, क्या समाधान हुआ? तो चेहरा क्यों ढकते हो भाई? नीचे कर लीजिए। कोरोना से डरते हो? हाँ कोरोना से तो डरना पड़ता है। तो कब जाके इनको ऑनलाइन? इनको सर डाला था तकरीबन 28 अगस्त को। 28 अगस्त को, तो समझो कि 20-25 दिन हो गए। 25 दिन में खरीदारी नहीं हुई? नहीं, मतलब क्या इनके पास ग्राहक ज़्यादा रहते हैं ना, कस्टमर ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो हम भी समझ सकते हैं इतना ज़्यादा है इसलिए। फिर हमने ही सोच लिया, हमारे जो 7 वाले लड़के थे, हम 5 लोग गए, मिला के 10 लिया है हमने, तो वो बोले चल के फार्म भी देख लेंगे, सब हो जाएगा, चलते हैं, इसलिए फिर हम आ गए। अच्छा, कैसे विश्वास पक्का करते हो? लोग ऑनलाइन डाल देते हैं और फिर तुम जो है डिले करते हो, कोई परेशानी आ जाती है, कोई तुम्हारी अपनी समस्या आ जाती है, कोई सरकारी समस्या आ जाती है, तो फिर कैसे सेटिस्फाई करते हो? सेटिस्फाई अंकल समझाना तो पड़ता ही है कस्टमर को, कोई होते हैं अड़ब नहीं समझते, फिर उनको वापस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़े समझते हैं, जिनको पता है कि हाँ भी वाकई भी वो लोग भी प्रॉब्लम में है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन हमारा काम अच्छा ही होने वाला है। ऑर्डर का नाम निशान नहीं है। खीरी है दोनों? दोनों खीरी है। दोनों खीरी है, अभी बच्ची हैं दोनों। उम्र कितनी? 15-15 महीने है, 14-14 महीने हार्डली। कितना समय में प्रेग्नेंट की नहीं दी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ये प्रेग्नेंट बोल के नहीं इनको दी। हाँ। इनको 1.5 महीना हो गया सीमन भरे हुए। हाँ। इनको खाली बोल के दी है, आगे इनका नसीब। तो जो सीमन लगा है, जिसकी खुद है, कौन सी डेट को ए आई हुई है, वो इनको पूरा पूरी डिटेल दे दी है। अब ये इसको अभी चेक भी नहीं कराना चाहिए। अच्छा। ये जब 3 महीने, तो फिर वो कंसीव नहीं कर पाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा 45 दिन में। अंग्रेजी किसान तुम्हारी क्या समझेंगे कंसीव को? मतलब बच्चा ठहरेगा नहीं अंदर। हाँ। वो 45 दिन का अभी बच्चा, अभी भ्रूण पूरा तैयार भी नहीं हुआ, तो अगर हाथ डालेंगे इतनी छोटी उम्र में, तो वो बच्चा अंदर रुकने के चांस बहुत कम रह जाते हैं।
तो इससे ज़्यादा अच्छा है 3 महीने की जब ये हो जाएगी तब इसको चेक कराएं। दूसरा लेबोरेटरी में करा सकते हैं, अगर ब्लड का सैंपल बताते हैं तो वो 40 दिन की भी प्रेग्नेंट उसमें श्योर हो जाती है। बार बार हाथ डालने से भी इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, फिर आगे जाके रिपीटर की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कितने की है? एक जोड़ा ही लिया है। कितने का? 1,10,000 का मैंने खरीदी थी, विशाल जी नहीं थे। कितना दूध देंगी ये पहली बार? देखिए इनकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है। अब लोग बोलेंगे कि अभी तो इनको गाभन भी नहीं कराया, अभी से इनका दूध बता रहे हैं। ये दूध माँ बाप का कल्चर बता रहा है, कल्चर बता रहा है। ये जेनेटिक के ऊपर डिपेंड है, कौन सी इनकी अनुवांशिक पीछे की पीढ़ी है, कहाँ से आगे ये बढ़ रही है, क्या इनमें सुधार आ रहे हैं, उस हिसाब से पहली बार में 35+ जाने चाहिए। मान ले तुम्हारी बात, माननी पड़ेगी। और जनरेशन के ऊपर है ना सारा। ये तो अलग डिजाइन की है, क्रॉस उसमें क्रॉस में है। नहीं ऐसे है अंकल, जब आप बोल रहे थे कितना दूध दे देगी ये कैसे है, इन्हीं चीजों से पहचान होती है इनकी। वो प्योर ब्रीड है, 100% है। अच्छा। गैलेक्सी की है। हाँ जी। और ये भी सीमन अच्छा लगा हुआ है, लेकिन पीढ़ी तीसरी है सिर्फ अभी ये। अच्छा। हाँ अभी इसके गुण पूरे बराबर मिले नहीं, ये 25 लीटर ही देगी पहली बार में, वो 35। यही अंतर आ गया। जो ब्रीड वाली है उसका वीडियो में ध्यान से अगर कोई देखेगा, रूमर बहुत अच्छा है, सब कुछ रूमर पे डिपेंड करता है हाँ उसमें फर्क है। उसमें पेट के नीचे झालर भी आई है, पीठ के पीछे वाला भाग भी क्रॉस है, रिब्स का बहुत अंतर है, उसकी रिब्स बहुत चौड़ी है जो ब्रीड वाली है, और ये घुटी घुटी सी है, टांगे भी इतनी स्ट्रेट नहीं है, ये चीज का अंतर है। ऐसे नहीं मैं कह रहा ये गाय अच्छी नहीं है, इसकी टांगे सीधी है, इसकी टांगे बिल्कुल सीधी है एकदम ब्रीड वाली है, उसकी वही साईवाल जैसी थोड़ी सी नजर आने लगी चीज है। यहीं पे आके हम दूध बता देते हैं पहली बार में कितना देगी। तो कितना ये, कितना देगी ये? 25 लीटर पहली बार में। दाम है इनका? इनका अलग अलग लिया तो एक फार्म से है, अलग अलग कीमत करके लिया। जो ब्रीडिंग वाली है वो 92 की लिया है, ये 72 की लिया है। 92 की है। एक जैसी एज है, एक जितनी इन पे मेहनत की है, 20,000 का क्या फर्क आ गया? जिस दिन बंदे ने सीमन यूज किया वो कितनी क्वालिटी वाला यूज किया, 2000 वाला किया या 1500 वाला, उसको 150 वाला यूज किया, उसको 5वीं 6ठी पीढ़ी पे लगाया, उसको दूसरी पीढ़ी पे लगाया, ये अंतर सामने आता है यहाँ पे आके। हाँ जी, इसीलिए जो पहले वाली बछड़ियाँ हैं उन पे ब्रीड पे पैसा लगाया उनका, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे या दूध की बातों पे नहीं लगा, उनकी ब्रीड क्वालिटी पे लगा। एक अच्छा प्लांट लगेगा जिसका फल भी अच्छा आएगा। नंबर वन? हाँ जी नंबर वन। हाँ जी बिल्कुल। दांत दो कर दिए दो दांत है। एज ये उसके साथ की है जो सबसे पहले दिखाई थी। अच्छा। इसके 23 तारीख को दिन पूरे होते हैं। हाँ। उसके 25 को होते हैं। नहीं प्योर में है, प्योर में है, पूरी क्वालिटी है। इसको भी पाइपर का सेक्सिमन लगा आगे। ये पुणे से आए हैं श्रीकांत जी, उन्होंने खरीदी है। कितना दूध देगी? दूध दे देगी ये 30 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में पक्का। इसकी स्किन देखो, इसको इसीलिए नजदीक खड़ा। नहीं हवा क्यों मारनी है, निकाला है लोग, निकालते भी है अंकल। ना अमित जी की बातों ने दूध देना है, ना मेरी बातों ने देना। एक हाँ जी, दाम कम नहीं करते हो, बाकी सब ठीक है अंकल। जनरेशन पे पैसे लगते हैं, मैं वही बात करता ना, मेरी बात ने दूध देना ना अमित की, दूध देना इन गायों ने। नाम हो गया ज्यादा। अच्छा जी, लोग तुम्हारी तारीफे करने लगे। हाँ जी, तुम सोचते कि बढ़ा दो कोई बात नहीं, ऐसे कोई आग नहीं होता। बहुत से आने हैं लोग, खाली हमारे पास नहीं गाय खरीद रहे, इधर से गाय खरीदी जाती है, रस्ते में कंपेरिजन होती है जहाँ पे गाय उतरती है, होल्ट पे राजस्थान में, फिर MP में, फिर उसके बाद मालेगांव में, हर जगह। वीडियो में तुम्हारी तारीफ करते हैं, दूसरे में भी करते हैं, तो हमने कहा सब झूठ बोलते हैं। नहीं बहुत धन्यवाद जो इतना लोग मान सम्मान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, तो कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड लैक्टेशन है, प्योर। कितने दांत है? 6 दांत है अभी। 6 दांत? हाँ जी। लगती तो जैसे 4-5? नहीं नहीं नहीं, गाय बहुत बड़ी है, फर्स्ट टाइम में बहुत हैवी बछड़ी थी तब डिलीवरी हुई थी इसकी। कितने दाम की है? इसका 1,15,000 गिनती करके लिया है। कितना दूध देगी? दूध 40+। 40? हाँ जी बिल्कुल जी। तो कितना समय मांग रही है? अभी 1 महीना बाकी है इसका। अच्छा, तुम्हारी बातें होंगी। हाँ जी, हमारी बात होता है। हाँ जी, बदहजमी होती है इनको। हाँ जी, क्यों हो जाती है, कैसी होती है बदहजमी? उसमें क्या होता है,
पीएच लेवल कम हो जाता है। पीएच लेवल किसको बोलते हैं हम, जो मेदे का तेजाब है र्यूमर का, उसका लेवल होना चाहिए 7.0, वो 4.0 पे आ जाता है। 6 और 7 तक होना चाहिए, जो 4 पे आ जाता है। वो आता कैसे है, जब हम इनको एक्सेस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना हैवी डाइट देते हैं, उसमें आता है गेहूं या फीड और गुड़ वगैरह, जो लोग ऐसे ही दे जा रहे हैं गाय को गुड़ दे दो, गुड़ दे दो, सीरा भी आता है। ये चारों चीज़ों से क्या होता है, अंदर जाके जो इनका तेजाबी मैदा है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की जिसमें ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गया। हाँ जी बिल्कुल जी, पेट इन्फेक्शन होएगी, इन्फेक्शन से गोबर कठिन होगा, कब्ज बन जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, वो चीज़ क्या करता है, जानवर उगाली करना बंद कर देता है, जो इसकी पहचान है, और सुस्त सा पड़ जाता है जानवर, गोबर में भी उसके दिक्कत आएगी, आंख मीचने लगेगा। फिर उसके अलावा जानवर बैठा रहता है ज़्यादा, क्या होता है इनके मसल स्ट्रेच कर जाते हैं, जो इनकी मांसपेशियाँ हैं उनमें खिंचाव आ जाता है। हम कोई भी गाय खरीदते वक्त भी देखते हैं ना, हम कहते हैं गाय चला के दिखाना, थोड़ा चला के दिखाने का मतलब ये है गाय डोल तो नहीं रही, इसमें गाय डोलने लग जाएगी, जैसे शराबी आदमी शराब पी के डोल रहा है ऐसे गाय डोलती रहेगी। पतली चमड़ी, हाँ जी बारीक चमड़ी, हाँ जी बिल्कुल चमकदार भी सेहतमंद के लक्षण है। हाँ जी, तो क्रॉस में है? नहीं प्योर में है, बिल्कुल जी बिल्कुल प्योर में। दूध भी 35 से 40 लीटर देना है इसने। अच्छा, इजीली। क्या दाम की है? ये भी 1 लाख की है जी। 1 लाख? हाँ जी। कितना समय मांग रही है? अभी 20 दिन बाकी है इसके। अच्छा, वो तुम उसकी बदहजमी का इलाज बता रहे हो? हाँ जी। इलाज होगा उसका? उसमें दो चीजें हैं, एक तो आप लिफ 52 ऑन एनरोटेक इसका पाउडर दे सकते हो, लेकिन लिफ 52 का पाउडर देना है 10 ग्राम और एनरोटेक का देना है 50 से 60 ग्राम, 3 से 4 दिन देना है। और दूसरा इसमें आता है रूमी केयर की गोली आती है और एंड्रोसेन की गोली आती है, ये दो दो गोलियां देनी है 3 से 4 दिन तक। अगर आपको देसी इलाज करना है सबसे बेटर अपने घर पे, ये जो अपने हल्दी नमक जो हम घर पे खाने के लिए चटनी बनाते हैं ना, जो अपनी ग्रीन सॉस बनती है, बस उसमें गुड़ ऐड करो और दे दो, सबसे बेस्ट और जल्दी और वो तरीका है। कितना पढ़े हो? MBA किया है। MBA किया है, तो जॉब भी करते हो? नहीं नहीं, बिजनेस है। बिजनेस है? बिजनेस है, यही? नहीं, अर्थ मूवर्स का, जो कंस्ट्रक्शन में होता है ना। हाँ। अर्थ मूवर्स GCP वगैरह। हाँ। वो कितनी है? एक GCP है, 2 ट्रैक्टर है। अच्छा, तो कितने पैसे बनते हो उसमें? बन जाते हैं लगभग महीने के 1 लाख रुपए। इसमें इतने बन जाएंगे? स्टार्टिंग है अभी तो। हाँ। बाद में बना देंगे। कितनी रखोगे? अभी फिलहाल 7 लिए। 7 लिए? हाँ। कितने पैसे लगाए? अभी लगभग 7 लाख के आज बाजू हो गया। लोन लिया? नहीं नहीं। हाँ। अपने ही कंस्ट्रक्शन वाला पैसा इधर लगा दिया अभी। हाँ, लॉकडाउन से परेशान हो गए। विदेश नहीं जाओ? नहीं, यही करोगे, जो भी होगा यही होगा।